दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे और इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड अगर आपको चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। आज तो देखिए ये बोर्ड है आपका डेल का, सॉरी एचपी, यहाँ पे एचपी लिखा हुआ देखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं इसमें अपना डायग्नोस्टिक कार्ड, ठीक है। उसके बाद ये 4 पिन ATS कनेक्टर है, ठीक है, 4 पिन ATS कनेक्टर है आपको VRM सेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6 पिन ATS कनेक्टर दिया है। ये जो 6 पिन ATS कनेक्टर दिया है एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है, 12 वोल्ट और स्टैंड बाई सप्लाई आती है। और यहाँ पे देखेंगे एक IC लगा हुआ है जो अगर आपको दिख रहा होगा, जिसको आपको स्टेप डाउन IC भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में क्या है कि एक पे 3 वोल्ट और एक पे 5 वोल्ट की सप्लाई बोर्ड पे ही बनता है। जो नॉर्मल आप बोर्ड देखते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है कि 3, 5 सब आपको SMPS से आता है, बाकी इसमें क्या है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये बोर्ड पे ही जनरेट होता है और आपका 3 वोल्ट स्टैंड बाई वो सब आपके बोर्ड पे ही जनरेट होता है और बनता है, ठीक है। स्टैंड बाई वोल्ट भी यहीं पे आपको मिलेगा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। आप देखें कि मेन सपोर्टिंग MOSFET, मेन सपोर्टिंग MOSFET दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 पेयर हैं जो यहीं पे आपका, इसको हम स्टेप डाउन सेक्शन भी बोल सकते हैं। ये हमारा DDR3 है और चलिए तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको पास लाते हैं। ओके, बढ़िया, ऊपर अच्छे तरीके से हम इसको कनेक्ट किए, ठीक है। और नॉर्मली देखिए एक्चुअली अगर आपके पास बोर्ड आते हैं ना, सबसे पहले आपका काम है कि इसको अच्छे से वाश करना। अभी मैंने इसको वाश भी नहीं किया, सिर्फ बर्रस से जितने थे अच्छे से रैम वैम साफ करके सब कुछ लगा दिया है और नॉर्मली ये ठीक हो गया है, किसी स्टूडेंट का ही था। और चलिए हम इसको पावर ऑन प्लग करते हैं, पावर प्लग करते हैं, देखिए कोडिंग चलने लगा और यहाँ पे 99 है आ गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। इसको हमने निकाल दिया और हम इसको पावर प्लग कर दिए, एक मिनट इसका रीसेट वाला थोड़ी सी देखें, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट जल रहा है, वो लाइट अभी 0 हो जाए, ठीक है। और फिर हम इसको लगाते हैं, चलिए हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे पावर प्लग इन किए, कोडिंग चालू हो गया, ठीक है। आई थिंक 9A9A करके डिस्प्ले आ गया, 60 7272 करके 9A आ गया, आई थिंक डिस्प्ले आ जाना चाहिए। चलिए हम बीजे केबल लगा देते हैं इसमें, देखते हैं कि हमारे टीवी पर डिस्प्ले आया है कि नहीं आया है। देखेंगे ये डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी अगर बोर्ड आए, सबसे पहले कोई भी बोर्ड आए तो आपका काम क्या है कि मोस्टली आप मॉइस्चराइजर उसका देख लीजिए, मॉइस्चराइजर वगैरह अच्छे से साफ करिए, बोर्ड को क्लीन वगैरह करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नहीं होता है तो आप चिप लेवल में इस पर काम करते हैं, फिर 1 बाय 1 सेक्शन वगैरह चेक करते हैं। प्रोसेसर भी हीट हो गया है, ज़्यादा देर में इसको चलाएंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।